और जो समाज फूफू करेगी मेरे पर, वो बिन में बोलेंगे बताओ शादी हुई नहीं, माँ पहले बन गई है, एक बच्चा भी पैदा कर दिया है। क्या गेम खेला तुमने? मैंने पूछा ये किसकी है बच्ची, पहले इसका जवाब दो। ओ रियली, कैसे सोचे क्या मैं तुम्हारी फैमिली और कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी? कि तू किसी और से प्यार करता है? पूछी थी कि तो आपने मुझसे क्या बोला कि मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ? मैं अपने घर वालों के साथ। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? इसे प्यार कहते हैं कि दो दो लोग लेके चलते हैं, घर वाली बाहर वाली। तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि मेरा पति तुम्हारा कुछ लगता है? क्यों नहीं कह सकती? मेरा बच्चा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम किसी और का भी बच्चा ला सकती हो? ये हो ही नहीं सकता। पहले तुम इंसान, मेरी उनसे शादी हुई है, मैं रिलेशन में रही हूं, सलोनी शान दे रही हूं, मैं रहती आई हूं, शादी तो हुई नहीं। तुमने देखा? तुम ले आई होगी किसी का बच्चा? तुमने देखा? मैं कैसे मालिश करूं? मेरा पता है सलोनी, प्लीज रहने दो। एक मिनट आप चुप रहो। पूजा एक बात बताओ यार, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? उसकी भी तो बात सुनो। झूठ बोल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? जो भी चीजें ना सामने आने दो ना, जिस सच को डर किस बात का है? अगर आपको लग रहा है ना कि झूठ बोल रही है, आपके पति का बच्चा नहीं है किसी और का बच्चा है, तो ठीक है यहाँ पे सच्चाई सामने आने दो। इसीलिए ना आप आए हो मेरे पास, ये बताओ, इसीलिए आए हो ना? पर यार ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती है मेरे पति? ब्लेम क्यों करूंगी? अबे पागल हो, अजीब बात कर, अजीब औरत है। एक औरत होगी तो औरत की बात नहीं समझ रही है? चलो नहीं, शांत हो जाओ। देखो उसकी भी बात समझो, अगर मानो वो सच बोल रही होगी तो मेरी शादी हुई है, 3 महीने हुए मेरी शादी को। ठीक है, ये बच्चा कहाँ से आ सकता है ये बीच में? एक मिनट, आप देखो आपके पति सच्चे है ना, यहाँ पे उनकी सच्चाई जो भी चीजें क्लियर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, कैसा आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा और आज मेरे साथ है पूजा और सलोनी। मतलब पूजा की शादी 3 महीने पहले हुई है हर्ष नाम की लड़की, हर्ष नाम है ना उनका, और हर्ष नाम के लड़के से। लेकिन सलोनी का कहना है कि जो हर्ष है उनसे इनका 3 साल का रिलेशन है और ये उनकी बच्ची है, ये उन दोनों की, ये बिन ब्याही माँ बनी है। बट ये बात पूजा मानने को तैयार नहीं, इनको लगता है कि ये इनका घर बर्बाद करना चाहती हैं। सबसे पहले मैं सलोनी ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हर्ष से मिली कब थी? मैं 3 साल पहले मिली थी, वो भी ऑफिस में मिली थी, हम एक साथ ऑफिस में काम करते थे। मतलब 3 साल से रिलेशन है? हाँ जी। और ये बच्ची? रिलेशन में थे, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने बोला मुझे बच्चा कराना सही नहीं लग रहा, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। आपके घर वाले को पता है ये बात? ये बात किसी को नहीं पता, ये मतलब हर्ष को, मेरे को ही पता है। तो आपने जब एक बात बताओ, एक लड़की के लिए बिन ब्याही माँ बनना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अपने बच्चे के लिए मैंने जन्म दिया, मैंने कहा मैं अपने बच्चे को नहीं खो सोचा। तो आपने उनसे शादी करने के लिए नहीं बोला? मैंने उनसे बोला तो वो कह रहे हाँ मैं शादी करूंगा, उन्होंने हाँ बोली शादी करने के लिए। कब करेंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम मांगा, कह रहे थोड़ा सा अपना काम सही से कर लूं। तो आपको एक बात बताओ, आपको पूजा के बारे में कब पता चला कि ये शादी कर ली है? मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है। कब पता चला? मतलब ये 10 दिन के अंदर ऐसे कुछ पता लगा। तो ये चीज आपको पहले आइडिया बिल्कुल नहीं था कि उनकी शादी होने वाली? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ ना पूजा की, देखो मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपकी भी अरेंज मैरिज शादी हुई, सब कुछ मैं आपकी समझ रही हूँ। बट एक बार आप इसकी देखो कि अगर ये सच बोल रही हो, कैसे सच बोल सकती है? अगर सपोज ये सच बोल रही होगी तो सोचिए 3 साल के रिलेशन में ये लड़की बिन ब्याही माँ बनी है, इसके इज्जत की तो ये तो कहीं की नहीं रह जाएगी ना, घर की ना घाट की, कहीं की नहीं रह जाएगी। मेरा आप वही बताओ ना कि वो बंदा कितना गलत कर रहा है अगर ये सच बोल रही है तो। आपकी शादी तो अरेंज मैरिज आपके घर वालों की मर्जी से हुई थी, शादी से इसका मतलब मैं अपने बारे में नहीं, बंद कर दूं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके आपने उनसे कभी बात नहीं की उनके लाइफ में कोई और है? मैंने पूछा था शादी से पहले ही पूछा था, जब लोग मिलने आए थे तो सब बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बीच में। और आपको मतलब भरोसा ही नहीं है कि ये जो भी बोल रही है? नहीं सकता क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, उनके लाइफ में बस आप हैं। हाँ, उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सीधे इंसान है वो। अच्छा, अच्छी बात है, कितने सीधे हैं, कितने अच्छे हैं वो, जो भी चीज़ है ना यहाँ सामने आ जाएगा। एक काम करो सलोनी, आप उनको फोन करके हमें बुलाओ। जी, बुला सकते हो? हाँ जी, लाओ मुझे दे दो। मतलब एक होता है ना कि अगर 1% भी मैं बोल रही हूँ, मैं इसे सच्ची नहीं बोल रही हूँ, बट 1% भी सच होगी तो सोचो उस बच्ची का क्या होगा। हेलो हेलो, हाँ आप कहाँ पर हैं? हाँ कहाँ पर हो? मैं ऑफिस में हूँ यार। अच्छा, आप तो आप फ्री होंगे? अभी तो फ्री हूँ, शाम को हूँ, तुम्हें पता नहीं। वो गुड़िया की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके जाना था।
अच्छा कैसे हो गई? पता नहीं क्या हो गया, आप आ जाइए, चलते दोनों साथ में हॉस्पिटल लेके चलते हैं उसको, क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। यार अभी कैसे आ जाऊँ ऑफिस में, काम इतना है। अब देख लो गुड़िया की तबीयत खराब है, अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, आ जाइए आप जल्दी से, ज्यादा खराब है। कहाँ पर हो तुम? मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हेलो, हाँ बोलो। मैं यहाँ पर जनकपुरी में हूँ अभी। अच्छा, हाँ जी। घर पर नहीं थी? मैं तो घर छोड़ कर आया था। लोकेशन भेजो। मैं लोकेशन भेज देती हूँ, फिर तुम आ जाओ, ठीक है? जनकपुरी में हूँ। हाँ चलो तो ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। हाँ जी, मैं लोकेशन भेजती हूँ आपको, आ जाओ। ओके। कोई नहीं, देखो वो एक बात बताओ, अभी अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो नंबर है 9932, ये आपके पति का नंबर है, एक बार आप चेक कर सकते हो। मुझे याद नहीं होगा, मुझे पता और ये आवाज किसकी थी, थोड़ा सा बता सकते हो ना? पति है ना आपके? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वो मुझसे शादी की, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, यही सब करना था, पूछा नहीं क्यों, कोई नहीं पूछा, जो भी सच्चाई है ना यहाँ सामने आ जाएगी, बोल नहीं रहे हैं। अगर वो इंसान गलत किया है तो सीरियसली मैं उसे इतने थप्पड़ लगाऊंगी ना कि वो कहीं करे, इसे दो तीन तीन जिंदगियां खराब करके रखा हुआ है, सीरियसली तीन दिन जिंदगी खराब करके रखा हुआ है। कोई नहीं, आपको अभी भी भरोसा नहीं है, मुझे पता है आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी जगह पर सही हो, कोई भी अपने पति पर भरोसा है ऐसे कुछ नहीं बिलीव कर लगता। कोई नहीं दोस्तों, वेट कर लेते हैं, वो आ रहा है ना बंदा, जो भी सच्चाई है ना दिख जाएगा इसे भी। और बोल नहीं रहे, मतलब कितना, अगर वो बंदा ऐसा है ना, कितना घटिया बंदा है वो, एक इतनी छोटी बच्ची, इतनी मासूम लड़की के, मतलब इसका भविष्य खराब कर दिया, ये दोनों लड़की की जिंदगी खराब करके रखा हुआ है। कोई नहीं पूजा, आप देख लो, अगर अभी से ही पता चल गया तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही घटिया इंसान है, सीरियसली मुझे पता है, वो दोनों को पागल बना रहा है, घर के नजरे भी अच्छा बनना है और प्यार के में भी अयासी करनी है, दोनों करना है ना उसे। कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। हाय, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कुछ नहीं, सो रही है। क्या हुआ इसको? वॉमिट कर रही है। क्या पिलाया था उसको? दूध ही पिया है। फिर भी पता नहीं कैसे उल्टी हो रही है, तबीयत खराब से लग रही है इसकी। तो फीवर हो रहा था इसको? शायद लग तो रहा है मेरे को। अरे यार, एसी ज्यादा चला दिया होगा तुमने, तभी मैं छांव में लेके बैठी, मैंने बाहर खुले की हवा, इसलिए मैं इधर आ गई। तो यार मेडिकल स्टोर भी है, मेरे दोस्त का क्लिनिक भी है, वहाँ पे दिखा देती, तुम्हें पता है ना ऑफिस का काम कितना होता है। कोई नहीं, अभी चले गए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी कुछ। क्या हुआ? देखो हमारी बच्ची भी हो गई अब तो, मम्मी कब से आने को कह रही है यहाँ पर। अच्छा, ये मेरे को बुला भी रही है, कह रही है तो तू आ जाए तो मैं आ रही हूँ। मेरे को कितनी बार मैंने उनको टाला, नहीं मम्मी अभी रहने दो, नहीं रहने दो, मैं आ जाऊँगी। अब उनको शक हो रहा है, ये कुछ तो बात है इसमें, ये छुपा रही है मेरे से। अब मम्मी आएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें बच्ची को देखेंगे, हमारी शादी भी नहीं है, समाज भी थू करेगा, मैं अपनी फैमिली से भी जाऊँगी, कोई मेरा साथ नहीं देगा। अब तो मुझे ये बता, तुम कब शादी करोगे मेरे से? अरे यार तुम्हें बताया नहीं था, घर पे हम पूरे पूरे दिन क्या बातें करते हैं, ये तो डिस्कस करते हैं। क्या बातें करते हैं यार, क्या मत, हमारी बच्ची हो गई है अब। अरे यार अभी मेरे को अपना ऑफिस करना है, मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो शादी कब करोगे? शादी ऑफिस करना है मुझे, तो शादी कब? लाइफ बनानी, इसकी लाइफ नहीं है, इसकी लाइफ नहीं है, ये बड़ी जगह तक शादी करोगे, इसके सामने करोगे? तुम अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, इसके सामने शादी करोगे, ऐसे बाप बनोगे तुम? बताओ। तो यार तुम्हें बताया था ना मैं, यार देखो बात को समझा करा करो, अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि हम इसको पढ़ाना लिखाना भी है। अच्छा, आगे का इसका फ्यूचर भी देखना। अच्छा, है और जो समाज फूटू करेगी मेरे पर, वो बिन बोलेंगे बताओ, शादी हुई नहीं है, माँ पहले बन गई है, एक बच्चा भी पैदा कर दिया है, कोई किसी को नहीं देख रहा, कौन नहीं बोलता मेरे से, पूछो लोग फूटू करते मेरे से। तुम मेरे साथ एडजस्ट करो, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया? अब तुम शादी करने, इतनी बार तुम बुलाती हो आता हूँ ना, आने से मतलब नहीं होता। तुम्हारा भी ड्रेस अप भी लेकर आता हूँ, जो जो बोलती है वो सारे काम करता हूँ, ठीक है, घर का सारा राशन भी भरवाता हूँ, तुम्हारे को ड्रेस अप भी कराता हूँ, इसका भी ध्यान रखता हूँ, इसके लिए अलग से पैसे देके जाता हूँ, और क्या चाहिए यार तुम्हारे को? तो मम्मी को मैं क्या जवाब दूँ? मम्मी को मैं क्या जवाब दूँ? मम्मी को बोल दो थोड़ा सा और वेट कर लें, और किसी की बात, ये आस पड़ोस वाली जो आंटी है ना तुम्हारे को भड़काती है बराबर वाली, उनकी बातों में मत आना कभी भी। मम्मी मेरे से ये कह रही है तो तू या तो कल मैं अपने पापा को लेके आ रही हूँ, अब बताओ मैं क्या बोलूँ? यार तुम्हें एटलीस्ट मैंने समझाया तो था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, ऑफिस तैयार करना है, और भी बहुत सारे काम हैं,
मैंने आपको कभी मना किया आप ये काम मत करो, आपके अगर शादी कर लोगे तो आपके काम में रुकावट आ जाएगी या मैं रुकावट दूंगी आपके काम में? तुम दिन भर बाहर रहते हो, मैं बच्ची को अकेले संभालती हूँ। तो यार तुम मम्मी हो ना इसकी, मम्मी हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमेशा पूरा दिन। तुम कभी बाप का प्यार दिया तुमने बेटी को? आता तो हूँ यार। कब आते हो? तीन दिन बाद, दो दिन बाद, क्या सीन होता है ये पता? तुम हमेशा ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, दो दो बज जाते हैं कभी। देखो मुझे ना महीने का 1,00,000 रुपए नहीं चाहिए, तुम मुझे 10,000 भी दोगे ना मैं नमक रोटी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ घर पे रहो बस। यार 10,000 में कुछ भी नहीं होता, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी, मैं अपनी बच्ची का फ्यूचर बना लूंगी, दोनों कमाएंगे अपने बच्चे के साथ रहेंगे हम। लेकिन नहीं, इसका संभालोगी? दोनों संभाल लेंगे, दोनों कर लेंगे बस, दोनों साथ में रहो, मुझे घर लेके चलो अपने, शादी करो घर पे रखो मुझे, मुझे जरूरत नहीं है, तुम 1,00,000 रुपए कमा के मुझे महीना दो। मुझे लग रहा है तुम्हें बराबर वाली एंटी ने बहुत ज्यादा भड़काया। मुझे किसी ने भड़काया नहीं है, अभी तक तो कोई बात नहीं कर रही थी, अब ज्यादा फोर्स करने लगी। इस तरीके से तो मैं दोनों तरफ से परेशान हो जाऊंगा, बॉस की टेंशन है, अपने खुद के ऑफिस की टेंशन है, बॉस की टेंशन क्या है, बॉस की टेंशन है, बॉस फिर तुम्हारी भी टेंशन। बॉस भी तो अपनी वाइफ को टाइम देता है ना, अपने बच्चों को टाइम नहीं देता वो? तो मैं भी तो यार टाइम देता हूँ, पूरे हस्बैंड की तरह देता, आप हस्बैंड की तरह देते हो यार। घर पे ऐसी बात नहीं, कब लेके जाओगे? कब? मम्मी को भी बुलाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा, कब? लेकिन यार मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम होया है, मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी तब मैं बोलूंगी तुम्हारे पापा ने मेरे से अब शादी करी, तुम्हें दादू दादू को तो प्यार मिला ही नहीं अभी तक। यार मिल जाएगा, बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी कम से कम 1 साल तो रुको। कब तक रुको? 1 साल तो वेट करो, 1 साल बाद मैं खुद लेके जाऊंगा अपने घर, और बोलो। लेकिन यार अब एटलीस्ट मुझे अब तो परेशान मत करो, क्योंकि मुझे अपना ऑफिस का भी काम देखना है और तुम्हारे को भी संभालना है। मुझे पेमेंट, आधी पेमेंट घर पे देनी पड़ती है, आधी तुम्हें देनी पड़ती है, मेरा तो कुछ बचता ही नहीं है। मैं जब से तुम लाइफ में आई हो ना, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहा, क्योंकि बचता ही नहीं है मेरे पास। इसलिए तो मैं अपना ऑफिस तैयार कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी बचे, मेरे बच्चे का फ्यूचर भी बने, तुम्हारा भी फ्यूचर बनाऊँगा और घर में भी पैसे दूंगा, जब भी तो हम सब साथ में रहेंगे। तुम भी तो ये चाहती हो, नाना नानी दादा दादी, नाना नानी दादा दादी कैसे रख लेंगे? वो कहेंगे कि इतना ही कमा रहा है सिर्फ अपने बच्चे पे लुटाने के लिए, फिर मैं उनसे भी बुरा बन जाऊँगा। हैं, उन्हें पेमेंट नहीं दूंगा तो वो कहेंगे कि बीवी पढ़ा रहा है, तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम कहोगे अपने माँ बाप पे खर्च कर रहा है। किस किस को कब तक जवाब देता रहूँगा, और घर में और परेशानी बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 साल, 1 ईयर, बस ओनली 1 ईयर वेट कर लो, उसके बाद मैं खुद लेके जाऊंगा। 1 साल बाद शादी करोगे? हाँ। चलो ठीक है, वैसे मुझे अपनी फ्रेंड से आपको मिलवाना था। अब कौन सी फ्रेंड आ गई है? वो आई है, बहुत दिन से कह रही थी मुझे मिलना है, जीजू से मिलना है। अरे चलो ठीक है, तो फोन करूँ उसको? तो अपने यहीं पर है, पास में ही है वो। अच्छा, ही नानी हाँ। की तरफ की तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वहाँ की नहीं है। अच्छा ये लो, आप इसको पकड़ो, मैं उसे बुलाती हूँ। अच्छा मेरा बेटा, मम्मा ने तबीयत खराब कर दी थी। हाँ कहाँ पर हो? आ जाओ, खाना बना लिया था? हाँ बन गया, सब कुछ बना के फिल्टर पिला दिया था। हाँ सब कुछ रख के। क्या गेम खिलाया तुमने? और ये कौन से बच्ची को लिए हुए हो? किसकी है ये बच्ची? कैसे? मैंने पूछा ये किसकी है बच्ची, पहले इसका जवाब दो। ये बच्ची है। ओह रियली? ये बच्ची से मेरी, तुम्हारी बच्ची नहीं है? वाह कैसे मजाक कर रहे हो ना। बच्ची तुम्हारी नहीं है, मैंने अकेले पैदा किया इसको। तुम्हारी शादी मेरे से हुई है। ये चल क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तू बताएगा ना, तू बैठ जा, बैठ जा। वो तो तू बताएगा ना कि चल क्या रहा है, बताओ क्या चल रहा है। शादी की है? हाँ। 3 महीने हो गए हमारी शादी को। हाँ। और इससे तुम ये क्या कर रहे हो? शर्म की चीज है यार। तू पहले चश्मा हटा, चश्मा हटा, बताओ यार। तुमको ना डूब पर जाना चाहिए, तुम यार बोल हो। बच्ची है। शर्म करो, शर्म। एक सेकंड, ये किसकी? तुमको आइडिया भी है तुम एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? एक सेकंड पूजा, ये किसकी बच्ची है? ये इसकी बच्ची है। ये इसकी बच्ची है? तुम्हारी कुछ नहीं लगती है? और तुम्हारी कुछ नहीं लगती है? ये बताओ तुम्हारी कुछ लगती है कि नहीं, बस इतना पूछ रहे हैं। तुम्हारी कुछ लगती है कि नहीं बोलो? ये मेरी कुछ नहीं है। कुछ कुछ नहीं है? शर्म नहीं आ रही है तुम्हारी? कुछ नहीं लगती? ऐसे बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं है दीदी। आप माल क्यों रही है? खराब कर दिए। तो कौन है? ये कौन है? नहीं वो मैं बता रही हूँ ना, वो तुम्हारी बच्ची नहीं है। मेरी बच्ची नहीं है? कसम खा हाथ रखी, तुम्हारी बच्ची नहीं है। कितना घटिया इंसान हो बे, थोड़ी सी भी शर्म है? कुछ भी कर लेना, तुम इतना घटिया हो। देखी तुम, देखी ना तुम क्या बोल रही थी? आप देख तरह
बोलने से भी शर्म नहीं आ रही, कैसे कर सकते हैं दो दो लोग लेके चलते हैं, घर वाली बाहर वाली। यार मैंने कब कहा कि घर वाली बाहर वाली, कभी करा तुमने ऐसे ही तो किया है। ये क्या देखा है, क्या देखा है तुमने? अच्छा क्या देखा? मैंने इससे बात कर रहा था। अच्छा, मैं बैठा हुआ ही तो था। बात भी कर रहे थे तुम बच्चे को, अपनी बच्ची दी मैंने ले ली। अच्छा भाई, भाई काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आपको बता दे कि आप अपनी मेरी बेटी मेरी गुड़िया जो कर रहे थे ना, वहाँ कैमरा दिख रहा है, वहाँ पे ना रिकॉर्ड हुआ है, तो ज्यादा किसी को पागल मत होना, बोलो तो कैमरा ला के भी दिखा सकते है, तो पागल बनाने की कोशिश भी मत करना। उसकी जिंदगी खराब की मैडम, पहले आप कैमरा बंद करिए कैमरा। हाँ, उससे प्यार किए, 3 साल से रिलेशन में रहे, उसकी बच्ची हो गई 4 महीने की, और इसकी भी जिंदगी खराब कर दी। मैडम आप तू क्या है भाई, तू इतना घटिया, तू जन्म ही लिया तू यहाँ पर, नहीं बंद होगा क्या कर लेगा? मैम प्लीज नहीं बंद होगा, फैमिली मैटर है। नहीं नहीं फैमिली मैटर है, कौन सा फैमिली, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? फैमिली मैटर है, नहीं फैमिली मैटर, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। नहीं नहीं फैमिली मैटर नहीं भाई, फैमिली मैटर है। तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारी फैमिली और कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी? दो दो लड़की की जिंदगी खराब की, उस लड़की से तुमने शादी भी नहीं की, उसकी जिंदगी बर्बाद करी, और एक बच्चा भी हो क्या उसको? मेरी बात सुनोगी? सुनाओगे? मेरी शादी हुई है, मम्मी डैनी ने कराई है ना, फिर तो इसका मतलब तुम 10 शादी करो। मैंने कब कहा कि मेरी कुछ है? अच्छा वो मैंने बोला नहीं है तुम्हारी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। बोल कौन लगती हो तेरी, कौन लगती है, कौन लगती है? इस आदमी को ऐसे ही मारना चाहिए। बोल कौन लगती हो? ऐसा कैसे तुम कर सकते हो किसी के साथ में? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? बच्ची कौन है बोल, पहले बोल। मैं बता दूं बच्ची है कौन तेरी? हाँ ये मेरी बच्ची है। तेरी बेटी है ना? हाँ। तो कब से मुझे आवाज नहीं निकल रहा था, मुझे आवाज नहीं निकल रहा था तेरे? अरे शर्म नहीं, जिस तरह हरकतें करते हुए बड़ा आया, इसकी भी जिंदगी खराब करके रखा हुआ है। अब तो फिर मेरे से शादी की जब तुम्हें यही सब बदतमीजी करनी थी? पूजा तुम्हारी जिंदगी ना बच गई। बच गई? तुमने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। यार मेरी शादी। हाँ बोल। मेरी शादी मेरे घर वालों ने कराई। अच्छा तू दूध पीता बच्चा है? मेरे घर वालों ने कराई है। बच्चा है तू? वो मुझे घर से निकाल रहे थे। अच्छा घर से निकाल रहे थे? इधर इन दोनों की जो जिंदगी खराब की है वो वापस करेगा? तू अपने मैडम में क्या, तू अपने अयाशी के लिए इसकी जिंदगी खराब किया? मैं क्या, ये मेरी बच्ची है, मैं इससे प्यार करता हूँ। शादी से पहले तो तू मुझसे बोलता है कि तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे करता है। शादी से पहले चुप एकदम चुप, मुझसे एक आवाज नहीं। शादी से पहले तेरे से पूछी थी ना कि तू किसी और से प्यार करता है, पूछी थी कि नहीं? तो आपने मुझसे क्या बोला कि मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ? मैं अपने घर वालों के दबाव में हूँ। दूध में तो बच्चा है, दूध में तो बच्चा है, इसको ना तुम लोग जेल में डालो, ये उसी ले मार दो, इसको मार दो, जेल में कर दो। मैं कंप्लेंट डालना चाहती हूँ बस। मैं रहना नहीं चाहती आदमी के साथ। आज ये ऐसे कर रहे, कल ये 4 को भी रखेगा, ये कल ये 4 को भी रखेगा अच्छे से। ये अभी अपनी बच्ची को इनकार कर रही है, मेरी बच्ची नहीं, अपने खून को मना कर रहा है। ये 3-4 महीने की लड़की को तुम कह रहे हो तुम्हारी बच्ची नहीं है? कोई नहीं, बोल नहीं रहा, धूप मर जाना चाहिए जाके। धूप मर बोल नहीं रहा, अब तेरे इज्जत इतना रहेगा नहीं। कम से कम मेरे पनी में बच्ची पे दया कर ले। मेरे घर वालों के पास भी आएगी वीडियो, तुम्हारे मां-बाप को पता चल रहा है। तुम दो शादी करके बैठे हो, एक बच्चा भी है। वही ना, एक लड़की की जिंदगी खराब की, वो तो उसपे इतना ताकत था ना कि वो यहाँ पर आ गई। मैडम मैंने शादी आ गई। हाँ मैडम मैंने शादी नहीं करी। अच्छा कोई बात नहीं, करी ना, अभी ससुराल तेरे को भेजते हैं, वहाँ पे तेरी शादी अच्छे से होगी। जितनी शादी कर रहे हैं वहाँ पे करना। नहीं मैडम प्लीज, कैमरा बंद करवा दीजिए। क्या कर रहे हैं तुम लोग इसके साथ? मुझे नहीं रहना यार, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ यार। प्यार बच्ची है? अच्छा ये मेरी बच्ची है, ठीक है बोल। नहीं रहे अभी तो, अपना नहीं रहा था ना? कोई नहीं, तुम मैडम मैं बोल तो रहा हूँ, चुप, सच बता तो रहा हूँ। मुँह बंद, ये वीडियो क्या करना है, इसको आप अपलोड कर डालो, अपलोड करो, और बाकी इसके तुम दोनों इसके खिलाफ फ्रॉड का केस करो। ये उसी लायक है, तेरा वही होगा। अब तू देख यार, मुझे जेल करवाई। हाँ, तो कैसे लोग के कारण यही होना चाहिए। अगर आज छूट दे दी ना, 4 और करोगे तुम। तू तो बोलती थी मेरे से प्यार करती है, तो तुम कौन सा प्यार तुम करते हो मेरे से? ये था तुम्हारा प्यार, ये था तुम्हारा प्यार। हाँ ये था प्यार,
मैं बोल क्या कर बैठे कर तो रहा हूँ की ये मेरी बच्ची है। पहले तो मना कर देना ये मेरी बच्ची नहीं है। मैं घर वालों के दबाव में आन के क्या घर वाले घर वाले बोलेंगे सब मार ले मार दोगे। यार कब मारा मैंने यार। इससे बहस करना बेकार है। ये अब नहीं अपनी गलती मानेगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं जानती हूँ इसको कैसे अकल ठिकाने इसके लाने हैं।